अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो कैसे हैं आप सब और कैसा दिन गुजरा आज का? हमारा तो आज सारा दिन बस काम काम काम, पता ही ना था कहाँ गया सारा दिन। तो आज असल में हम लोग चले गए थे मार्केट, और मार्केट में बस थोड़ा मौका नहीं मिला आप लोगों को कुछ दिखाने का, कुछ बताने का। तो सोचा आपको हम वीडियो में दिखा देते हैं तो हम मार्केट से क्या क्या लेके आए हैं। तो आज हम ये लेके आए हैं मिट्टी की हांडी, इसके अंदर खाना बहुत अच्छा बनता है, फिर सुन्नत भी है। तो इसे जो है इसमें पकाने से जो है ना खाने का जायका ही अलग हो जाता है। तो आज हम लेके आए मिट्टी की हांडी। अगर इन सब के प्राइस आपको किसी को भी पूछने हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हमारा ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताएंगे, और लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देंगे। तो और दूसरा जो है वो ये लेके आई सारी चीज़ें, जो कि इनके पास ये कोई 5-6 लंच बॉक्सेस हैं, लेकिन इनका ये होता है लंच लेके नहीं जाती, लेकिन इन्हें ये चाहिए होता है। पानी की बॉटल हर दूसरे महीने ख़राब हो जाती है। और डस्टिंग के लिए मैं लेके आई ये, तो उससे ये इन्होंने खेलना शुरू कर दिया। तो डस्टिंग की जगह पहले इनकी सफाई करते थे हम, पहले ये चाह रही हैं कि इनको साफ़ कर दें। और दूसरा इन्होंने ले लिया फिर अपने लिए ये गुल्लक, जो कि पैसे जमा नहीं होंगे अगर इसमें हो भी गए तो। हम अपने बचपन में करते थे ना, कोई चमचा लिया और वो गुल्लक को तोड़ दिया और फिर उसमें से चमचे से ही या छुरी से जो है ना वो हम पैसे निकालने शुरू कर दिए। तो खैर इन्होंने ये बिल्कुल एक ले लिया, बस इनको शौक था। उसके साथ हम लोग मार्केट से लेके आए ये, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चाबी और ये वो। अच्छा ये जो है ना, ये मार्केट में हमारी तरफ बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं बाज़ निस्बत और जगहों की मार्केट से। और दूसरा ये कि अगर ऑनलाइन मंगाते हैं तो ये चीज़ें बहुत ही कॉस्टली पड़ती हैं। तो अगर इनमें से किसी भी चीज़ के आपको प्राइस पूछने हों तो कमेंट्स कर सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हम लोग लेके आएँ। तो इसके प्राइस आप लोग ख़ुद बताएंगे कि ये हम कितने का लेके आए, ये हांडी हमने कितने की ली। और इसके साथ हमने लिया है ये लकड़ी का चम्मच, जिसमें आप बनाएंगी नूर फातिमा खाना। है भाई बनाओगी? वो ब्लैक फूड में तो फिर कोई भी देखने नहीं आएगा, फिर कैसे खाएंगे ब्लैक फूड? ब्लैक फूड में आपको मैं जलावा खा दूंगी, जलेबी कोल्ड ड्रिंक दूंगी। जलेबी कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो बायकॉट है, कोल्ड ड्रिंक तो पेप्सी और कोको कोला, सारी कोल्ड ड्रिंक का ही बायकॉट कर दो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो वैसे की सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। लेकिन मैंने मम्मा से फिर भी जिद कर करके कर करके कर करके ड्यू का, तो खैर ये तो हमारे पाकिस्तान की है, इसराइल को तो हम बिल्कुल सपोर्ट वैसे ही नहीं करते और ना ही करेंगे। तो फ़लस्तीन के बस मुसलमान बहन भाइयों पे अल्लाह पाक ख़ास करम करे, रहम फरमाए, उनकी मुश्किलों का आसान करे, क्योंकि बहुत तकलीफ़ और परेशानी में हैं। तो बस दुआ ही कर सकते हैं, बाकी अल्लाह पाक उनके लिए आसानी कर दे इंशाल्लाह। दुआओं में सब ही याद रखते हैं, लाजिम है। हम मुसलमान उनको देख के हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। अच्छा इसके साथ हम ये लेके आए हैं एक ये शूज़ रेक, तो ये भी बहुत अच्छे हमें प्राइस में मिल गया था। तो मैंने कहा मार्केट से, वहाँ हमें ना वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत रश था, वरना ज़रूर आपके साथ हम वीडियो शेयर करते और वहाँ की चीज़ों को दिखाते। लेकिन इंशाल्लाह जब थोड़ा बग़ैर रश के जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। उसके साथ हम ये लेके आए हैं कचरा साफ़ करने वाला, और कचरा साफ़ करने वाली के पास है वैसे ये करती नहीं है डस्टिंग, लेकिन फिर भी हम और हमारे रूम में असल में शीशे बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हम ये लिया है शीशा साफ़ करने वाला, और ये भी बहुत अच्छे प्राइस में हमें मिल गया तो बस ले लिया। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा मछली मार्केट चले गए थे, तो वहाँ पे मछली भी बहुत अच्छी मिलती है, तो हम लेके आए मछली और एक दो चीज़ें और लेनी थी वो हमने ली साथ, इन्होंने फिर कोल्ड ड्रिंक। तो अब हम बनाएंगे बस खाना, और थोड़ा सा हम कहा कि वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दें, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिए। अरे गाइस ये हो गया हमारा तैयार शूज़ रेक, और अब इसमें हम रखेंगे शूज़। तो आज की आपको हमारी शॉपिंग कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा, किसी चीज़ की प्राइस पूछने हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर बताइएगा। नहीं ये इसके पैरों पर लगेगा नीचे, वो हम लगाएंगे लास्ट में। तो
जब तक के लिए न्यू व्लॉग के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, कुछ नया लेके आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।